अच्छा, क्या पैसे किसी की जान से ज्यादा कीमती है? ये सवाल उठ रहा है हैदराबाद में एक बच्ची की आत्महत्या के बाद। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। रोती बिलखती ये वो माँ है जिसने महज 2 दिन पहले अपनी बेटी को खो दिया। बेटी को खोने की वजह बना चंद रुपयों के लिए स्कूल प्रशासन का अमानवीय रवैया। मामला हैदराबाद का है, जहां स्कूल फीस जमा ना कर पाने की वजह से 10वीं में पढ़ रही बच्ची को मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा और उसने अपनी जान दे दी। परिवार वालों ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन की वजह से वे स्कूल की पूरी फीस नहीं दे पाए। इस वजह से स्कूल प्रशासन बच्ची को परेशान कर रहा था। बच्ची को कई बार स्कूल से निकाले जाने की धमकी भी दी गई। परिवार वालों ने कई बार स्कूल के अधिकारियों से बात भी की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। 35,000 था स्कूल का फीस, उसमें ये लोग 15,000 बांधे लॉकडाउन के ये बाद में, लेकिन और जो भी 20-25,000 है इसका पेमेंट के वजह से वो लोग बच्ची को बोल के बच्चों के सामने इंसल्ट करे बोल के सोचते हुए बच्ची कल शाम में अपने घर में हैंगिंग कर ली। इस विषय में ये लोग पेरेंट्स कंप्लेंट दिए स्कूल के करेस्पॉन्डेंट विजय लक्ष्मी रेड्डी एंड जो भी उसके प्रिंसिपल से, ये लोगों के ऊपर कंप्लेंट दिए। ये नेरेडमेट पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन जारी कर रहे हैं हम लोग। लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकारों ने स्कूलों से सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश जारी किया था, लेकिन स्कूल अधिकारी जबरदस्ती पूरी फीस वसूल कर रहे थे। ये स्कूल का मानवीय रवैया ही है जिसने एक बच्ची को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। अब स्कूल के खिलाफ जांच और बच्ची के लिए न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन किया जा रहा है। ABP News आपको रखे आगे।